मेरा नाम मोहम्मद मलिक है और ये इस टाइम मैं प्लेसा में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी धुंध है रास्ते में और ऊपर से ये रास्ता इतना कच्चा है और स्लिप इतना ज़्यादा है, क्या बताएं आपको। ये आप देख सकते हो नीचे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, अभी बिल्कुल जस्ट अंदाजे से चल रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी साइड से जो लाइट्स हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत रास्ता दिख रहा है। कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे स्लिप है, कहाँ पे मिट्टी है, कुछ भी नहीं दिख रही। एक तो इस रोड की इतनी गंदी कंडीशन है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लगभग 10-15 सालों से इस रोड पे तो लुक तक भी नहीं पड़ी है जब से रास्ता बनाया है, पर रास्ते की इतनी बुरी हालत है। आप देख ही रहे होंगे कैमरा कितना हिल रहा है, ये सारे यहाँ इसके जंप से पे जितने खड्डे हैं उसकी वजह से आप देख सकते हो कैमरा कितना हिल भी रहा है और कितनी धुंध है इस टाइम। ये आप देख सकते हो इस टाइम में भटियास से ऊपर जो लिंक रोड है उस पर चल रहा हूँ। यहाँ पे आगे इतनी मिट्टी है और इतना स्लिप है, दिख कुछ भी नहीं रहा। एक सेकंड इसकी लाइट ये वो नहीं बंद करके देखते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत दिखता है। ये देखिए कितना पानी है यहाँ पे, देखिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और इतना स्लिप है यहाँ से। अरे देखिए कितना पानी है रास्ते में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं इस रोड की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, हद से बदतर है। आगे से गाड़ी आ रही है और ये देख सकते हैं आप लाइट भी प्रॉपर नहीं दिख रही है। इसलिए आप क्या कहते हो इस रोड के बारे में, कैसी है? चलो यहाँ से आगे धुंध खत्म हो गई है। अब आप देख सकते हैं कैसे रास्ता भी दिख रहा है और रास्ते की हालत देखिए आप। यहाँ से आगे रास्ता भी अच्छे से दिख रहा है, थोड़ी बहुत धुंध है लेकिन जितनी अभी तक थी उससे कम है। आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो कितना स्लिप है यहाँ से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस रास्ते पे इसकी तरफ कोई गौर ही नहीं करता। ये देखिए कितना स्लिप है यहाँ से, कितने जंप्स लग रहे हैं मुझे। ये देखिए खड्डे, आप ये देख सकते हैं। ऐसे रास्ते से हमें रोज चलना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। हर जगह तालाब बने हैं रास्ते में पानी के, ये देख रही आप, ये आप देख सकते हैं। इस साइड भी आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ तो फोर व्हीलर इतनी स्लिप होती है, टू व्हीलर का तो यहाँ से चलना ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए कितने खड्डे हैं रास्ते में। ये है हमारे यहाँ के रोड्स की हालत, जितने भी लिंक रोड्स हैं सबकी यही हालत है। ये तो चलो तो भी कुछ भी नहीं, यहाँ से ऊपर देखोगे आप तो यहाँ से ऊपर और ज्यादा खस्ता हालत है रास्ते की। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अभी फिलहाल धुंध भी खत्म हो गई है तो इससे अच्छा है कि धुंध आ जाए तो इससे पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ से आगे कुछ ऐसे आसार फिर से नज़र आ रहे हैं, फिर से धुंध शुरू हो गई है और स्लिप इतना ज़्यादा है कि रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये आप देख सकते हैं कितनी धुंध है। ये मैंने फिर से लाइट ऑफ कर दी बड़ी वाली, फिर भी रास्ता नहीं दिख रहा।
तो मौसम बड़ा खराब रहा आज, पूरे दिन बारिश रही। चलो ठीक है।